अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर बग़ैर तहकीक के ख़बर शेयर करते हैं उनके बारे में एक मुख्तसर दिलचस्प कहानी। धोबी की बीवी बादशाह के घर में काम करती थी और बड़ी खुश नज़र आ रही थी। तब मलके सुल्तनत ने पूछा कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो। धोबन ने कहा कि आज दोनों फ़ायदा हुआ है। मलका ने उसको मिठाई पेश करते हुए कहा, दोनों की पैदाइश की खुशी में ये खाओ। इतने में बादशाह भी कमरे में दाखिल हुआ। मलका को खुश देखकर पूछा, आज आप इतनी खुश क्यों है, कोई ख़ास वजह है। मलका ने कहा, सुल्तान ये ले मिठाई काले, आज दोनों फ़ायदा हुआ है, इसलिए खुशी के मौके पर खुश होना चाहिए। बादशाह को बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बादशाह ने दरबान को कहा कि मिठाई हमारे पीछे पीछे ले आओ। बादशाह बाहर दरबार में आया तो बादशाह बहुत खुश था। वज़ीरों ने जब बादशाह को खुश देखा तो वाह वाह की आवाज़ें गूंजने लगी। बादशाह मज़ीद खुश हुई। बादशाह ने कहा, सबको मिठाई बांट दो। मिठाई खाते वक़्त बादशाह से वज़ीर ने पूछा, बादशाह सलामत, ये आज मिठाई किस खुशी में आए हैं। बादशाह ने कहा, आज दोनों फ़ायदा हुआ है। एक मुशीर ने चुपके से वज़ीर आज़म से पूछा, वज़ीर बातदबीर, वैसे ये दोनों है क्या। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे तो इलम नहीं ये दोनों क्या है, बादशाह से पूछता हूँ। वज़ीर आज़म ने हिम्मत करके पूछा, बादशाह सलामत, वैसे ये दोनों है कौन। बादशाह सलामत थोड़ा सा घबराए और सोचने लगे कि वाकई पहले मालूम तो करना चाहिए था कि ये दोनों कौन है। बादशाह ने कहा, मुझे तो इलम नहीं है कि ये कौन है, मेरी बीवी आज खुश थी, वजह पूछी तो उसने कहा कि आज दोनों फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं उसकी खुशी की वजह से खुश हुआ। बादशाह घर आया और बीवी से पूछा, मलका आलिया, ये दोनों कौन था जिसकी वजह से आप इतनी खुश थी और हम भी खुश हैं। मलका आलिया ने कहा कि मुझे तो इलम नहीं कि दोनों कौन है, ये तो धोबन बड़ी खुश थी, उसने बताया आज दोनों पैदा हुआ है, इसलिए मैं भी खुश होकर उसकी खुशी में शरीक हुई। धोबी की बीवी को बुलाया और पूछा, तेरा सत्यानाश हो, ये तो बता दे कि ये दोनों कौन है जिसकी वजह से हमने पूरी सुल्तनत में मिठाइयाँ बांटी। धोबन बोली, ये दोनों हमारी कोती का बच्चा है जो कल पैदा हुआ है। ऐसा ही हाल हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर मौजूद सियासी कारकुनों का है। जो भी खबर मिलती है बग़ैर तस्दीक के फौरन ग्रुप और सोशल मीडिया पर आ जाती है।